सुन हमने आता ना, कश्मीर में एक कोई बर्फीले डंडे में सरोवर है जो तालाब पानी का है, बाकी जगह सीधी है, जो सुनने में आया। तो वहाँ रहते थे महासुए कार्तिकाय, शिव जी का ज्येष्ठ पुत्र, जिसको परियों ने पाला था। उसको तो छह परी ने उसको दूध आप अपना पिलाया, उसका नाम था कार्तिकाय, अग्नि से पैदा होता हो। तो और बड़ा सा शिव जी का लड़का। गणपति की पत्र चौथ मनाई जाती जागरा, गणपति के जन्म हुआ आज, तो उसको बनाया था माता पार्वती ने, इसका क्या नाम, मिट्टी गोबर से गणपति बन गया ना। तो जब उसका रूप हुआ, बोला मेरे को आप माता आगे दे दे, तो माता ने कहा तू पहरे दे दे, मैं नहाने जाती हूँ। वो नहाने गई तो वहाँ शिव जी ने भेजो, शिव जी चले गए। शिव जी गया तो बोले तू कौन है यहाँ? बोला मैं माता का पुत्र हूँ, मेरे माता का देश है कि अंदर कोई ना आए, मैं यहाँ खड़ा हूँ उसके देश से। बोले चल पर मैं ऐसा सो, बोले तू चाहे कोई है, मैं भी मानता हूँ तू भगवान रूप है, लेकिन मैं माता को कम से वहाँ खड़ा हूँ। क्रोध में शिव जी ने जो है उसको धमका दिया, तो बलवान वो कम नहीं था। तो उसके बाद वो वापिस गया, है शिव का ही होगी, उसने गण भेजे, उनको पटकाया, उसने वापिस चले गए रो के वहाँ तक कि ब्रह्म विष्णु तक आए सवार गए, बोले तो जबरदस्त है कोई। तब गया वो खुद शिव जी सबको लेकर, उसका सिर काट दिया गणपति का। फिर उसको सिर लगे खाती ने पूरी जिंदगी भर शिव की तपा से किए, भले ही जानवर था। तो उसको वरदान मिला था कि भाई तेरा जन्म तेरा सिर वहाँ लगे श्रद्धा के लिए रहेगा। जब वो हाथी का सिर लगा, गणपति जीवित हो गया, नहीं तो प्रलय काल कर देना था माता जी ने सबका। तो जीवित हो गया तो सब देवी देवते खुश हो गए। तो उसका डिसीजन हुआ देवी देवते का सब का कि भाई शिव जी के सपूत हर पूजा में इसका पूजन होगा सबसे पहले, गणपति का ये सबसे ऊँचा माना जाएगा, तो उसका पूजन सबसे पहले होना था। तो जब बड़े हुए ऋषि भगवान शिव के पास, तो आपस में वो एक गुरु से शिक्षा ले रहे थे, रास्ते में उनको एक शौक आ गया, बोले तेरी शादी होगी कि मेरी? कार्तिकाय ने कहा मेरी होगी, मैं बड़ा हूँ। बोले मैं तेरी नहीं होगी, मेरी होगी। अब उन काली का नाम नहीं जानता नहीं, जो थी वो लड़कियाँ उनके तो बर मिला हो गया, एक से ही दोनों की शादी, एक से ही होगी दोनों की शादी। तो लगे हो भी, बोले किसकी शादी? बोले माँ से पढ़ेंगे बात। पार्वती के पास गए, बोले शादी किसकी होगी पहले, मेरी केस की? बोले इससे पूछो शंकर भगवान से। वो लगा से उनको देख के बोले ऐसा जो प्रकाने देगा संसार में, जो पहले आएगा मेरे पास उसकी शादी होगी। तो कार्तिक आए तो गया सच्चे दिल से संसार में घूमने। गणपति बुद्धिमान था, उसने सोचा ऐसा क्यों करूँ, तो मालिक तू यही है। उसने शिव के चारों ओर पर करने की और पूजा करने घंटी जाने लग गया। बोले तू नहीं गया? बोले महाराज पृथ्वी ना आती, जब यही है तो पर करने मेरी यही सफल होनी चाहिए। बोले तो बड़ा बुद्धिमान निकला। तो उसकी शादी हो गई। जब कार्तिक आया, नारद मिला रास्ते में, बोले क्यों दौड़ा हुआ इतना? गणेश की शादी पुराने राजे की बेटी से हो गया दोनों उसको। वो क्रोध में आ गया, आए वहाँ पर दिया तो मेरे साथ कपट किया गया। फिर उसने क्या किया है, बोले माँ शरीर तो मेरा अलग ही था, तेरे सहारे से तेरे बल से मैंने मांस तैयार किया था, सारा मांस उसके चार हिस्से हो गए उस मांस के। बोले तेरे शरीर का ये है हड्डी के ढांचे में मैंने रहूँगा, वो गया भाई जहाँ आज जाती दुनिया श्रीखंड में, वहाँ को चला गया, मैं रहूँगा वहीं कश्मीर में। तो चला गया कश्मीर उस पर्वत में, वहाँ था सरोवर, वो उसमें चला गया नीचे, लगी पार्वती देखने तो बड़ा नर्त हो गया। उसने चार मांस के टुकड़े भी उसी सरोवर में डाल दिए जो हड्डी का ढांचा गया था, उसके बन गए चार नाग सर्प। तो साथ रहने लगे वो,
तो जितने उनके साथ देवी देवते थे उनके पक्ष में, कौल वीर वीर सारे 360 वीर थे उसके साथ, उन तप में बैठ गए वहीं सरोवर में, तो चारों भाई वहीं थे। जब वो ऐसा सा हुआ, जो हमारी दो नदियाँ निकली थी, एक पावर एक तौंस, एक ही पर्वत से आती ऊपर से, एक आई आगे से, एक आई रोडवे होके, रोडवे होके तो आई लक्ष्मी, आगे से जो तौंस आती वो राक्षसनी, उससे हुआ पर जन्म पैदा वो राक्षस, जिसके लिए जागरण करते हैं, राक्षस पैदा हो गया। उसने क्या किया, आदमी खाने में इंद्रत में शुरू कर दिए, मैं तो वहाँ पर फिर कैसे कैसे राक्षस बढ़ लेता था महेंद्रत में। तो एक पंडित की बारी आई, उसने सोचा भाई देवी देवते दुर्गा माता मंदिर के पास पहुँचा, बोला मेरे पास क्या करेगा भूखा प्यासा लेके, बोला ऐसा ऐसा देवता है एक कश्मीर में, अगर तू उसको बना सकता है वही नाश कर सकता है उसका। तब गया वो भूमि पंडित कश्मीर, कैसे सुपने में आया धोबी के मंदिर आठ कोटी में बेहोश, सुपने में चला गया वहाँ, माता ने उसका साथ दिया। जब वहाँ पहुँचो तो वहाँ पर उसको बर्फ में ऊपर ऊपर से चलते वीर वहाँ कर दी गए, अरे भाई मैं डूब रहा है, क्यों नहीं डूब रहे, वो कट्ठे होके आ गए, बोले कहाँ जा रहा है तू, है तो बोला तिलक से तू ब्राह्मण लगता, बोला ब्राह्मण ही हूँ, अति पर महाराज से मिलना है, कहती माता ने भेजा मेरे को रण सरोवर तक जाइए। तो फिर उन्होंने रास्ता बता दिया उसको, चल गया। तो वहाँ पर जिसका जागरण होता है वो मंत्री है इसका, मासू है ना, चार भाई है, मासू मंत्री है वो, इसका जो जिसका जागरण बोटे मासू का जागरण तो उसका होता है ना मंत्री का। तो चल गया वहाँ पर, उसने बोला कहाँ जा रहा है, तो बोला मालिक से मिल रहा है, बोले चिप दे यहाँ भसम कर देगा तेरे, उसकी नज़र में लगा तालाब में नीचे, वह चार सरप सरप के बेच में तालाब में चारो भाई। फिर चल गया वो, बोले यही ठीक है, बोले मैं लाऊंगा तेरे दर्शन जरूर कराऊंगा, मेरे को क्या देगा, क्या बीपती है तेरे को, बोले मारे को खा लिया राक्षस ने, मैं इसके पास अपना ब्रह्म हत्या करनी है, सोना ले गया उसने भेंट, और जिस जगह काटता तो आदमी पशु जो भी वो मिट्टी ले गए फेंक दी वहाँ पर, ऐसा सा अत्याचार हो रहा है, बोले मैं मिलाऊँगा तेरे को, मुझे क्या देगा, बोले क्या चाहिए तेरे को, एक जागरा पत्र चौथ को, जो जागरा है ना वो है कालू वीर जो मंत्री है, जागरा चाहिए। अब मारे जो 9 जून का कितना चीज डेढ़ बोरी ग्रेड क्वांटल सतनाजा, उसका रोट चाहिए, पकड़ने वाला भी रोट पर काटने वाला भी ऊल चाहिए, दे सकता तू, और 9 जलने चाहिए टीड़े, हम तो एक ही जलाते ना, 9 जलने चाहिए, बोले कर दूँगा मैं ऐसा, पब्लिक है मेरे साथ, बोला तब तो मैं कमलाऊँगा तेरे को, हो गई उनकी बात। फिर चले गए अब नीचे तालाब में वजीर, तो नीचे पड़ गई छाया उस पंडित की, वो लगा देखने, वो छाया पड़ गई पानी में, अरे बोले भाई ऊपर कोई काले शरीर का मनुष्य तो नहीं है, ये नहीं देखना चाहता था, काले शरीर का शिव भगवान था, ये उस रूप को देखना नहीं चाहता मैं, मेरे को धोखा मिला, भला यही आया है कोई ऊपर, भले चले जाए दूसरा वीर भेज दिए छोटा भाई, तो दब गया, बोले ऊपर तो कुछ नहीं है, फिर दूसरा भेजा तीसरा भेजा, अरे उसको दिख रहा है, बोटा मांस बोलते ना उसको दिख रहा है, तो चल नहीं सकता नहीं, तो वो कौलू को बोला मेरे को अपनी गोद में ले जा, मैंने देख रहा है, उसने लाया उसके पास, उसने एकदम से क्या किया, वो मिट्टी थी खून वाली वो फेंक दी सामने, सोना फेंका वेट में, मैं ब्राह्मण हूँ मैं मर जाऊँगा यहीं, उस राक्षस को मारने के लिए जो है मेरे को माता ने तेरी तरफ भेजा है, तू देवता तू शक्ति निकाल दे। फिर उसने बोला उस वीर को ही बोले तैने इससे भूड़ खा ली, तू करे इस कर से तू मार सकता है, मार ले नहीं मार सकता, तेने वचन कैसे दिए इसको, बोला अगर आपकी इजाज़त है मैं मार सकता हूँ, बोला ऐसा कर ले भाई ये सोनम ले जा वापिस, तू भी चले जा, उसको दिन मान दिया बोल के ऐसा ऐसा करिए तू अपने मेहनत में
मैं पूरा पहुंच जाऊंगा। पहले आया पंडित, पीछे आ गया महासू की शक्ति, देवता रुद्र, बनाड़, दौड़ू। महासू ने भेज दिए पहले इनको कि जाओ राक्षस की बड़ी काट गया उसको, जबरदस्त देवते थे। माता ने सोचा हट कोटी वाले ने खुद तो मालिक आ नहीं रहा, इसलिए जो है उनको जाने नहीं दिया उस रास्ते में, इनको बसा दिए इधर। जैसे रुद्र नावर में आया, बनाड़ इसमें गया पार ठाणा मंदिर में, और दौड़ू नीचे पोधार से नीचे जो है मंदिर दौड़ू वहाँ बैठ गया। फिर आना पड़ा उसको खुद। जब वो उसकी नींद जागी, मैं कहा हाट कोटी ये क्या देखा मैंने, वहाँ तक गया और रास्ते में ये हाट कोटी से भी बोला अब कैसे जाऊँ। तब उसको दिखा महेंद्रथ, पहुँच गया कैसे कैसे महेंद्रथ। उसकी माँ ने पूछा बोले इधर आ रहा राक्षस, मारी बारी को ले आ जाओ बोलो खाने की, तेरे देवता कब आएगा, तू कहते मैं ऐसा गया तैसा गया। बोला सच्चा दिन दियो, बोला कल नहीं आज ही कर। उसने पूजन आज ही कर दिया, आज किए तो औड़ा ला दो लोगो 360 भीर खड़े हो गए। पहले शील आए तो महासू की टांगे तोड़ दी, बोटा महासू ये नहीं चलता। जब लास्ट है चलता महासू, उसने फिलांग मारी सामने, बोला क्या कर रहा है पक्षी के रूप से, पीछे देखा लो देखो पीछे खून ही खून, मैंने तो बच्चे के टांगे बच्चे की दिख रही, ये क्या किया मैंने। तो उसने पूरा लगाना तो पूरे वीर निकल गए थे, पीछे नहीं देखा था, बोला गलती होगी ब्राह्मण है तू, तर सी अला हुई तर महासू अखौड़ा बस टाल दो बस हो। और मंत्री साथ है, इस मंत्री ने मारा फिर उस राक्षस को, बोले दे भाई मेरे हिस्सा। तो उसने घोड़ी इलाका को बुलाया, किसने, उस पंडित ने, फिर इसका जागरा दिया सब घोड़ियों ने, बोला भाई बस देवता हमारे को इसकी रक्षा है। तो जागरा इसलिए माना जाता है या तो किसी के संतान नहीं, एक जागरा भरेगो जिस गांव का लोग जागरा भरेंगे ना एक ही है, एक ही उस गांव में उत्पत्त अनाज वगैरह सब धन की बड़ी भारी होगी, जिससे कि दूसरे जागरे को सब दे उसमें दान के जागरा ही करना भाई, वाकई देवता है। इसलिए इसके जागरा जगह जगह फैलते रहा। बात गई एक राजे पर, उसके संतान नहीं थी, तो उस राजे ने आया वो वहाँ भूखा प्यासा पड़ गया, वहाँ पर जहाँ मंदिर था उसका भूखा प्यासा पड़ा, वो भी हुआ महासू साक्षात खड़ा, बोले क्या चाहिए तेरे को। उसने साँस से सोना फेंका, बोले किस लालच है मेरे, इसको ले जा, क्या चाहिए तेरे को, बोले संतान, नहीं तो मर जाऊँगा यहीं। उसने संतान का वरदान दे दिया उसको, बोले तेरे 5 पुत्र हो जाएंगे, चले जा। बूढ़ा राजा राज है फिर भी जीरो को उसके घर में, उसके बुए वो जो गाते ना गीत इसका अभी भी सुना होगा आपने, तो बास्टू ओबर सूई बाट ली राचे हुआ 5 धोरू, सुबह 10 बजे को लग गए बैल और लगाने बच्चे पढ़े लिखे पूरे लिखने वाले, कहाँ से कहो उन्होंने 2 घंटे के अंदर ऐसे संतान दे दी वहाँ पर उस राजे के घर में। तो होते होते उस राजे ने उस लड़कों ने जो है उन बुजुर्गों से राज चढ़ा लिया, चढ़ाया फिर लगे वो आपस में बात करने, बोले बाबे बोले तेरे 14-7 खजाने थे, हमने 14 भर दिए, तेरे धन सब खाया। बोला ठीक है, बोलो बेटा ऐसा ही ठीक है, तू बुजुर्ग को आदमी उसने सोना था ना रखा हुआ वो भूल गया महासू को देना, वो रह गया खजाने में। तो महासू ने फिर क्रोध में आके सोने के पीछे तो लालच है इसका, क्रोध में आके कुछ रहा तो वजीर आया कैसे कैसे बाप बेटे का झगड़ा, बाप बेटे का झगड़ा। तो बाप ने बोला उन वजीर को, बोला जो उसको काट के आएगा और मैं उसको खुश हूँ जो जेठा पुत्र है। तो जो सोना था उसके पास उसका वना तो कटारा बाहर से सोने का लगा, वो साफ से सोने का गडाब अंदर से तलवार। तो जब उसमें पान दी जैसे वो दुर्गा खड़ी हो गई, वो कटारा था वो बना उस लड़के के पास उसके साथ दुर्गा। तो उसी डर से उसने वसूला वजीर से सारा, उससे डरते थे सब। अब चाह दो भाई इधर बैठा सुबह, बोला ऐसा किए तेने गलत बोला। उसके बाप ने बोले इनके तो तेने धन सारा लिया है, बोले जच बेरू तेरा गाड़ा चेची गाड़ी, इसको कहाँ छोड़ूंगा, बोला आसानी वजीरों को ठा रहे थे
इनको तो सबको सुलूँगा, बोलो पाप किए थे ना, ऐसा करना चाहिए था। बाप बेटे की तू तू मैं हो गई। बोला जी ऐसा है भाई, वजीर डालते शरारत, ऐसे करो दूसरे बोल दिए, पकड़ के ले गया बाहर, जिन्हें थड़ी और बोरू जो इसका सिर काटेगा माम, तो उसके कोई खोजता मेरे को जवाब देने लग गया। तो दूसरे दिन वो दो भाई इधर, दो भाई इधर, उसने कुटारा रखा हुआ ऐसा खुद तिलक चढ़ाने लगा जो पोती। उन्होंने देखा वजीर बाहर से, जैसे आए उन्होंने जैसे ही खोला, उसकी चमक ही जाती थी, मतलब जो धुड़कू पड़ा वो काटने की जरूरत नहीं थी, वो चमक उस पर डाल दिया और उसका सिर अलग हो गया धड़ से। पांचों भाई के सिर अलग अलग काट के, राज फिर भी वजीर का। फिर जो बड़े बड़ा था ना, उसकी शादी हुई थी पहले ही, इस काटने से पहले। फिर आए उसका लड़का आगे, और उसकी घरवाली भागी कहीं दूर पंडित के गांव में। तो पंडित के गांव में गया, उसने वो बच्चा पैदा किया, वहीं पाला उसको वहीं। उसका नाम था साधु सिंह। जब बड़ा हुआ वो, पता लगा उसको कि भाई उसकी माँ ने बोला ऐसा था, तू राजे का बेटा था। बोले क्या सबूत है? उसने उसके जो कपड़े थे ना शादी के, वो पहना लिए उस लड़के को, कहीं मेले में जाना था बच्चों के साथ। उसने भी वही रूप और रंग और शक्ल जो उसकी माँ को शादी में सपने में वो लड़का उसका ही देखा, वही रूप। वो लग गए रोने। बोले तू क्यों रो रहे? बोला ऐसा किया इन्होंने वजीर ने, सब काट दिए, तेरे को छुपा के पाला वो मैंने, यहाँ पता लगे तेरे को काट लेंगे। उसने उसके पैर बांधे होगा, बोला उसी वरदान का मैं महसूस आँस का, उनको सबको काट दूंगा मैं। कहाँ से किए थे? बोला ऐसा था तेरे दादी ने किए थे, वैसा था पूजन एक देवते का जाना, वो कुछ नहीं किया। वो निकला फिर नोली, जो नोल है ना बनो जी, नोली बोलेंगे भाभी, वो राजे का ही भाषा था, टीरी गुड़ा जिस राजे के, और उसका ही भाषा था नोली में, जो सीधा प्लॉट है सारा। तब गया वो नंगा वो के सो गया, फिर दोबारा मांस हुआ है, बोले तेरे दादे ने वैसा किया था, बाद में धोखा देते तुम। उसने बोला मेरा नाम साधु सिंह है, मुझे माँ बाप बिल भर दे दोनिया हो एक ली, ना मेरे को पता, सोने की बनाऊँगा सिंहासन, सोने के लगाऊँगा कले, तांबे का दूँगा छत, साथ में तेरे को मंदिर दूँगा नोली भाषा में। वो नोली भाषा में मंदिर बना हुआ था पांडु के हाथ का, मंदिर दूँगा वही तेरे को बासने को, मेरी जीत करा ले। उसने वरदान दिए, चले जाए बोला अकेला। जाते जाते उसकी बुद्धि में क्या फिर गया, बुद्धि तो प्राता है मासूम, उसकी बुद्धि में क्या है, अकेला क्या करूँ, लड़के ब्राह्मण बन के चले गया उनके बीच, बन गया रसोईया, उनको लगा पता इन कौन है। तो फिर आ गया मेला, मेले में लग गए जी वो नाचने उस कटारे से छूरे से, तो सोने से ही कटारा बनता, सब नाच गए उठा रहा कटारा। बोले भाई ये रसोईया भाई इनका, ये भी नाचे जरा। बोले मैं नहीं जानता नाचना, उसको पकड़ के लाया मजाकिया था, माँ सुबह से हो ना सबको खुश करने के लिए उसको। अरे बोले नाच ले, दो फेरे लगा ले, ए दो कदम दे दे। वो भी पकड़ा उसने कटारा, ठंडे पानी की लहरें उसके दिमाग में बड़े घूमने। हे भगवान देवता मासु, अगर मैं तेरा हूँ, हे भी टाइम मेरे काटू अभी था। बुआ ढाकी लगे बाज मारने, बोले कैसे जाना? बोला आधो उल्टो आधो सुलटो, उल्टा बाज भी आओ सुलटा भी। सुलटा बाज बजाया तो उसने कदम देने शुरू किए, जब उन्होंने उल्टा बाज बजाया तो उसने खोल दिया पीठ की आगे को जाने के घूमने के रास्ते में, मुँह किए उनकी तरफ, वो भी खोल दी उसने, खोल दी उठा रहा सिर कट के नीचे वजीरों पे। तब केलो उसने 900 आदमी मारे थे, केलो साधु सिंह ने, उसी ने बनाई नोल उसको, और उसी ने दिया सब कुछ बढ़ा के। फिर हल्ला हो गया पूरे मारे इलाके में कि ऐसा तो देवता आ गया नोली में। तब इसकी जगह किसकी संतान नहीं उसने जागरा दिया, किसी का धन नहीं उसने जागरा दिया, किसी जगह राक्षस था ऐसा गाँव में जिसने प्रलय कर दी थी, तब उसका जागरा देना शुरू किया। इसके साथ चलते 5 बीस जबरदस्त, वो उनके प्रति कोई नहीं जीत सकता, इसके साथ चलते वो। उसने उसी लिए उसको फैलने से सारी जगह में जहाँ भी गया, इसने कुछ नहीं मांगा धन नाज, कमी किसी की नहीं होने, इसलिए उसको हमारे इलाके में सारे में मान।
अब है बढ़ाले वाली बात, फुआल वाली। पहले तो अपने देवते के नाम लेंगे, फुआल के साथ चलता है बाण देवता बनवीर बहान, तो उसके पूजने के लिए भी उस बहाने से भी जाते हैं, उसको पूजो थी उसकी बकरा काटने वहाँ पर भी या खड्डू काटेंगे कुछ भी। फिर उसके बाद जाएंगे ऊपर, ऊपर से आएंगे पहले पूजेंगे उस बाण को सच, जैसे ऊपर से आएंगे ना फूल लेके पहले पूजेंगे उस बाण को जो बेड़ी के साथ देवता ही है उनका बड़ाड़े का, उसको पूज के आएंगे फिर जोड़ी लेके कुली देवते के लिए। जैसे गोली नाग है हमारे महासु है, ये भी कुली जी है महासु, गोली नाग तो इलाके का है, ये गाँव का सेना मुखिया। जैसे आप जा रहे हैं या आपके घर में कोई नहीं है या चोर पड़ गया, तो बस तक जो है चोर को नज़र से आपकी चीज़ खास चीज़ बचा देंगे जो कोई भी नहीं है, नहीं तो ऐसा आदमी जाएगा उस टाइम जो उनको छोड़ेगा नहीं, ये शक्ति इसके अंदर पीठ के भूत आया कहीं से, मारे क्या पता हमारे पीछे भूत है, हमने मांसू पूजा हुआ है, ये मांसू जरूर उसको बीच रास्ते से वापस कर देगा, नहीं मानेगा यहाँ बिल्कुल नहीं मानेगा। तो इसलिए उसको पूरे गाँव में मानते हैं, हर गाँव में, हर गांव में उसको धन संपत्ति के लिए पूछते हैं। इसके साथ सब सिर्फ ये जो है ये घसड़ पसंद नहीं मानते, जैसे सोना रखा बाद में नहीं दिया तो इससे बुरा देवता कोई नहीं, जो सोना इसके नाम से रख दिया सोना देना ही पड़ेगा, उसकी बनी हुई कावत मांसू का सोना कोई नहीं खा सकता है। तो अभी तक उस पूरे इलाके में कावत है पूरे इंडिया में कि मांस को सोना कोई नहीं खा सकता है, इसका सोना भी कोई नहीं खा सकता है, वो चाहे इतनी कहानी होगी फंसे रहेगा जब तक इसको दिया वापिस, ऐसे में पड़ेगा दूसरे के सोने को जो इसके नाम से रख दिया, ऐसा नहीं किसी का सोना ही लूटने पड़ गया, ऐसा देवतम नहीं है, दयालु है कि भाई सब कुछ टूटे वाला राज है इसका, मस्त है बस इन चिड़के ये अबीर इसने रखे हुए, भाई किसी की आवाज़ रोने की नहीं आनी चाहिए, किसी की आवाज़ चीज चढ़ने की नहीं आनी चाहिए, कोई रक्स खा रहा है तुम पैरादार, तो वीर इसके चौबीस घंटे तैयार है हर जगह, ये चार वीर रे जा पूजना ही पूजना, इनको चढ़ती बड़ी बगैर बड़ी से नहीं मानते, नहीं तो जागरा नहीं मानेंगे, फिर तो ऐसा वो घटना घट सकती कहीं, अब बकरे नहीं काटे तो पाँच चार आदमी गाड़ी में भी आ सकते हैं खड में नाले में, फिर ऐसी दुर्घटना कर हो जाएगी, उनको लगती लगती बड़ी खून की, ऐसे ज़बरदस्त भीर है इसके साथ हो, बस जैसे खाडू काट दिए या बकरे काट दिए बस फिर वो खुश है, तो भीर सब मनुष्य के साथ मिल घुल गए, खाते तो मनुष्य ही है, वो तो उनके नाम से बड़ी चढ़ती है, खाने वाले तो हम तुम आप सब हम आए वही तो निकाते, इसलिए ऐसा है वे तो बुढ़ाले भी जाते इसलिए शौक से आदमी रहे सब, पैसे की भी तंगी नहीं, तब बुढ़ाले को तो बड़ी तंगी होती थी तम्बाकू लेने की भी, तब जाते थे बुढ़ाल डंडा, फिर पैसा आएगा अगले साल के लिए भी पहले तम्बाकू का इंतजाम रखना पड़ता था, दो तीन किलो तम्बाकू आ रहे अगले साल बेड़ी निकलेगी कटा तम्बाकू साझा, फिर तम्बाकू के लिए ज़रूर पैसा रखना, फिर लेना वो पैसा कहाँ से करना, इतनी गरीबी थी इसलिए बुढ़ाल डंडे जाते थे, और सच्ची दवाइयाँ सच्चा फूल मिलता था जिसकी मुश्क बहुत पहले दूर से आती थी, तो आज ऐसे फूल की मुश्क नहीं ऐसी ना कुछ ऐसा ही है, अब सीधा साधा अब मैंने नेसर लगाया हुआ है, पहले लगाते थे ना वही मुश्क सारे कमरे में, आज मैंने लगाया हुआ जब छूँगा तब सीखूँगा तब पता लगेगा नेसर है, नहीं तो पहले थे ऐसे यहाँ एक आ गया पूरे कमरे में मुश्क आ गए, कुछ ऐसा ही कुदरती था ऐसा, बस कुछ नहीं वैसे बुढ़ाले जाते शौक से जाते शौक से आते, टाइम से जाएंगे टाइम से इसके पास पहुंच जाएंगे, आगे के लिए भी ऐसा ही वरदान देगा आगे और आगे के लिए भी, मतलब कुदरत की सुरक्षा के लिए खड़ा है, तभी गाड़ी घोड़ियों में लिखते देवता महासु रक्षा इसकी जरूर है, तब चीज काया कार तब सुनती नूर उस जाते ठोकरे चाले शौक भी है, शौक भी आ जाते हैं, मनोकामना भी शायद पूरी होती होगी, हम अपने सतुज माते से मनोकामना पूरी होती थी, जिसने फूल वगैरह लाए कुछ कर दिया उसकी मनोकामना पूरी होती थी, ऐसी भी बात नहीं, अब कुदरती है शक्ति शिव की मानो या उस देवते की मानो है, अब महाशिव बोली महाशिव नोड़ी में तो महाशिव लिखते हैं महाशिव,
कि वैसी निके तप किए जो उसने किए, उसने तो 33 करोड़ देते के सेनापति मार दी। जब उसको मारा ना, क्या नाम है राक्षस का, सब हार गए देखते। तब शिव जी का पुत्र कार्तिक आया 12 साल का लड़का, तो उस राक्षस में अभी आ गया था मुँह राक्षस का नाम, उसको मारने पड़ गए। तो उसने बोला, अरे बच्चा तू दूध पी ले अभी, बोले झूठ भूमि में ऐसे बोला जाता है, मैं बच्चा हूँ मेरे से झूठ खेल। उसने मारा उस राक्षस को, पिताजी उड़ा दी, भूख पड़ के उड़ा दिए, शक्ति थी ना उसके पास ऐसी। तब देखा काया का बोले सेनापति पूरे देवताओं का, उसी की मूर्ति देवते आप जो देवते थे ना उस वक्त, इस कार्तिकाय की मूर्ति पूजते थे अपने घर में मंदिर में, भाई तू ही है हमारा रक्षक। जब गणपति हुआ, गणपति ने उसको नीचे दबा दिया, गणपति की पूजा होती पहले, गणपति की माँ बुद्धि शक्ति उसके अलावा है, गणपति महावीर की तरह साक्षात अभी भी है। आप तप में बैठ जाओ गणपति दिख जाएगा, 16 दिन तप करो गणपति दिख जाएगा। गणपति तो ऐसे देखता है बालक के रूप में, जिसको दिखेगा बालक के रूप में, ये है ना इतने पूजा है।